भरोसा डिग रहा है तो बात यही नहीं रुकती है, लेकिन हमें लगता है थोड़ी सी एक रास्ता तोड़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में आम आदमी की भागीदारी है क्या, ये सवाल हर जहन में आना चाहिए। तो ऐसे में हम आपको एक स्थिति दिखलाते हैं कि अगर किसान खेती में अगर उपज नहीं होती है तो भूखा मर जाता है, बंपर उपज हो जाए तो भी भूखा मर जाता है। जरा एक रिपोर्ट देखिए छोटी सी, उसके बाद फिर लौटेंगे इस बैंक प्रणाली पर। सड़क पर फेंके इन टमाटरों की कीमत एक रुपए किलो, यानी किसान ने जितनी मेहनत और पैसा टमाटर को उगाने में लगाया उसकी भरपाई तो दूर, उससे आधी कीमत भी अगर बाजार में ना मिले तो किसान क्या करे। 250 रुपया मजदूरी लेबर चली जाती, तो चार मजदूर लगाए तो 1000 रुपया वो चला जाएगा। यदि अपन 50 क्रेडिट भी लेके जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अपन को 5 रुपये क्रेडिट भी नहीं मिल रही मजदूरी काट के भी। ना मजदूरी निकल रही ना भाड़ा निकल रहा। हमारी अभी 200 क्रेडिट की गाड़ी गई थी मंडी तो मात्र 1600 रुपये में नहीं आए, मजदूरी नहीं निकल पा रही, फेंके नहीं, क्या करें किसान। यानी पैदावार कम होगी तो किसान मरेगा, पैदावार बंपर होगी तो किसान मरेगा। पर देश की इकोनॉमी जिस अंदाज में चलती है उसमें जो मेहनत सबसे कम करता है उसकी अंटी में रुपया है, वो वैसे किसान को चूना लगा सकता है जो सिर्फ मेहनत करता है या फिर टमाटर उगाता है। क्योंकि सच तो यही है कि टमाटर की कीमत किसान के लिए 1 रुपए किलो है, और जो किसान से खरीद मंडी में बेचते हैं उन्हें मिलता है 3 से 4 रुपए किलो, जो मंडी से फुटकर बाजार ले जाते हैं उन्हें मिलता है 8 से 10 रुपए किलो। तो टमाटर ने तो रंग नहीं बदला, पर किसानों को लेकर देश चलाने वालों ने ही रंग बदल दिया। मध्य प्रदेश से हम शुरुआत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में, हर नगर पंचायत में किसान बाजार बनाया जाएगा। पर शिवराज सिंह चौहान के किसान राग पे ना जाइए, ये है कितना पोपला, अब किसान भी इसे समझने लगा है, इसीलिए तो उसमें गुस्सा है और अपनी फसल को ही वह सड़क पर बिखेर देता है। और तो और मध्य प्रदेश से सटे महाराष्ट्र के अहमदनगर में नजारा कुछ और है। अहमदनगर के शिरस गांव के किसान नितिन गवारे ने टमाटर का उचित दाम न मिलने पर अनूठा विरोध किया। बैंड बाजा बजवा कर एक एकड़ टमाटर के खेत में भेड़ बकरियां छोड़ दी। और तो और किसान नितिन ने अपनी बर्बादी का नजारा दिखाने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाया और फिर उसे बटवाया। माझा जवळजवळ 1 एकराच्या आसपास असलेला प्लॉट का ज्याच्यावर 40-50 हजार रुपये माझा खर्च झाला, 4 महिन्यापासून मी त्या प्लॉटवर मेहनत घेतो आणि आज ज्यावेळेस मार्केटमध्ये तो माल विकण्यासाठी नेण्याची वेळ आली तर अत्यंत बाजार व पडलेले, रुपया किलो नवे तर फुकट सुद्धा घ्यायला कुणी तयार नाही। फसल का ये मंजर वाकई भयावह है, और प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगना करने का जो वादा करते हैं वह भी इस मंजर के सामने हवा हवाई ही दिखाई देता है, क्योंकि इस खुरदरी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ बेहाल किसान की मेहनत है जो किसी को दिखाई नहीं देती। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।